Bihar Chief Minister Nitish Kumar has said that nobody is above the Indian Constitution. He was responding to Raj Thackeray's comments on Biharis and the North Indian community. Nitish Kumar has said, and I quote, "Raj is indulging in anti-Bihar tirade and it is a matter of shame." Strong comments coming in from Nitish Kumar. Remember, there have been strong reactions from across the political spectrum to Raj Thackeray's salvos at the Bihari and the North Indian community. He called them infiltrators in Maharashtra and said that they will make sure that these people are moved out of the state. These comments by Raj Thackeray have evoked strong reactions from the Congress itself. We heard Digvijay Singh slamming these comments. The JDU and the BJP also reacted. Let's listen in to what Nitish had to say. इस वार्ता के बारे में जो बड़ी बातें थी, जिस अध्यक्ष आदरणीय विशेष भाई और अधिकार रैली के संयोजक श्री विजय कुमार चौधरी जी ने विकास डाला, और इससे ज्यादा जोड़ने की जरूरत है इससे बीआई की अधिकार यात्रा पर हम निकले थे। जैसा चौधरी जी ने आपको जानकारी दी, एक दिन में दो जिले के सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे और 19 तारीख से 19 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा बेतिया से और 32 जिलों के कार्यक्रमों में हम हिस्सा लेंगे। समाप्त होगा 14 अक्टूबर और अन्य जो 6 जिले हैं उसमें अधिकार सम्मेलन में तो पार्टी के अन्य नेता भाग लेंगे, लेकिन हम उन 6 जिलों में पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद और अलवर, इन 6 जिलों में हम दशहरा और बकरीद के बाद सघन दौरा करेंगे। 4 नवंबर को रैली की जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा और उसमें भाग लेंगे ताकि 4 नवंबर की रैली के लिए लोगों को उसमें भाग लेने के लिए हम आमंत्रित कर सकें। और ये बिल्कुल पार्टी की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है और मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित है 4 नवंबर की अधिकार रैली को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और बिहार के हक पर